गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने बिल्कुल नई सीरीज लेके, वो भी वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। जी हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत सारे लोग काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे इसके लिए और क्लाउड को समझने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम AWS की सीरीज और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सीरीज अपने प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्लाउड को पढ़ने के लिए या किसी भी क्लाउड को बनाने के लिए वर्चुअलाइजेशन उसकी बुनियाद होती है। जब तक आप वर्चुअलाइज नहीं करेंगे एनवायरमेंट को, आप क्लाउड क्रिएट नहीं कर सकते, आप क्लाउड नहीं बना सकते, यानी वर्चुअलाइजेशन उसकी बुनियाद है। तो वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा लैब्स नहीं है बट इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जिनका आपके माइंड में क्लियर होना बहुत जरूरी है एज अ IT इंजीनियर। अगर आप IT के अंदर जाना चाहते हैं, क्लाउड में जाना चाहते हैं या आप किसी और सिस्टम एडमिन बनना चाहते हैं, SysOps में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। इसमें मैं VCP DCP का जो हमारा पूरा सिलेबस है, VMware सर्टिफाइड प्रोफेशनल डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन, इसके ऊपर मैं आपके ऊपर पूरी आपको सीरीज इसके ऊपर कराऊंगा इसमें, और सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं वन बाय वन करके क्लियर करूंगा। आज के इस बुनियादी लेक्चर में हमें समझना है कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? इट इज द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग आवर फिजिकल रिसोर्स इनटू एज मैनी एज लॉजिकल रिसोर्सेज एज वी वांट। यानी कि वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन एक तकनीक है, एक आप कहें कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की, कोई ऐसी चीज जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप काम बिल्कुल वैसे ही कर पा रहे हैं। आप इसका एग्जांपल पहले समझे, देखिए वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए हमें बहुत सारे एग्जांपल्स को समझना पड़ेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी आप और हम पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम में क्या टीचर अवेलेबल नहीं होता? होता है, आपको पढ़ा रहा हूं मैं। क्या वर्चुअल क्लास में स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होते? होते हैं, आप पढ़ रहे हैं मेरे से। क्या वर्चुअल क्लास में टीचर बोर्ड पर नहीं पढ़ाता? पढ़ाता है, पढ़ा रहा हूं मैं आपको बोर्ड पे। सारी कुछ चीजें तो वही है, तो और क्या इससे आउटपुट वही मिलता है जो हमें कॉलेज में बैठ के क्लासरूम में मिलता है? बिल्कुल वही मिलता है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कॉन्सेप्ट को पढ़ना, सीखना, लर्न करना, और वही चीजें यहां वर्चुअल क्लासरूम में हो रही हैं। यानी कि चीजें वैसी ही है, बंदे का आउटपुट भी वही है, बंदे को नॉलेज मिल रही है, बंदा सीख रहा है बैठ के, लेकिन टीचर और स्टूडेंट फिजिकली एक दूसरे के आसपास प्रेजेंट नहीं है। एक कमरे में बैठ के टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं और आप अपनी कंट्री में बैठ के मुझे देख रहे हैं। हमारे बीच में एक वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है, बाकी सारी चीजें सेम हो रही है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है, आपको उससे लर्न करने को मिल रहा है, वही काम क्लास में होता है, कॉलेज में होता है। यानी कि वो कॉलेज के कॉन्सेप्ट को हमने वर्चुअलाइज कर दिया, पर आउटपुट सेम है। हमारा मकसद पढ़ना था, हम पढ़ रहे हैं। इसी चीज को हम लेकर आए हैं अपनी आईटी इंडस्ट्री के अंदर। हमने पूरे डेटा सेंटर को वर्चुअलाइज कर दिया, अब हमारी चीजें कहां है हमें उससे मतलब नहीं है, चीजें किस तरीके से मैनेज हो रही है उससे मतलब नहीं है, हमारा आउटपुट सेम रहेगा। चीजें वर्चुअलाइज होने के बाद भी आपके आउटपुट पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो रिजल्ट आपको चाहिए, जो सर्विस आपको चाहिए, वो आपको एज इट इज मिलेगी। लेकिन वर्चुअलाइजेशन के इसके साथ साथ बहुत सारे नए बेनिफिट हैं जो आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में, नॉर्मल डेटा सेंटर में नहीं मिल सकते। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन यार पता है कैसा है? जैसे उर्दू में एक वो अल्फाज होता है ना, तसव्वुर, आप इमेजिनेशन करते हैं और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपको फील ऐसा ही होता है, सपने में आपको फील ऐसा ही होता है कि आप बिल्कुल वहां पर हैं, रियल टाइम में हैं, और आप वापिस आ जाते हैं उस दुनिया से। वर्चुअलाइजेशन कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहां पे आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, बंदा आपके सामने आपसे बात कर रहा है, बोल रहा है, जबकि वो वहां प्रेजेंट ही नहीं है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि बंदा आपको सामने खड़ा हुआ दिखेगा 3D इफेक्ट से, और वो आपके सामने मूव कर रहा है, बातें कर रहा है, बट वो वर्चुअलाइज्ड है। वो एक एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि बंदा वहां पे दिख रहा है, स्क्रीन आपको हवा में दिख रही है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। पर काम तो हो रहा है ना, उस स्क्रीन को आप टच कर रहे हो, आप उस पर जो भी काम करना है वो आप कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बहुत डिटेल में है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। वो एक शायर ने एक शेर कहा था, वो उस जमाने में वर्चुअलाइजेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने एक शेर वो अर्ज किया था कि किस तरह से देखूं भी बातें भी करूं तुझसे, किस तरह से देखूं भी बातें भी करूं तुझसे, आंख अपना मजा चाहे, दिल अपना मजा चाहे। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन है ना, ये कुछ ऐसा ही है। आप अब उसे फिजिकल वर्ल्ड वाला मजा भी चाहते हैं तो वो नहीं मिलेगा,
बट हाँ आउटपुट वही आएगा, आपको रिजल्ट्स वही मिलेंगे। इवन आज की दुनिया में आप मोबाइल चला लें, आप कुछ भी कर लें, वो सब जगह आप वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते ही करते हैं, चाहे फेसबुक ऐप हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो। तो अब हमें डिटेल में समझना है कि यार ये वर्चुअलाइजेशन क्या है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है और आखिर कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सारी चीजों को हमें पढ़ना है। तो एक जो बुनियादी डेफिनेशन है, इट इज द टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्स। तो मतलब क्या हुआ यार कि आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सर्वर है और ये सर्वर बड़ी हाई कैपेसिटी का है। चलो मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि आपके पास खुद का एक कंप्यूटर है, आपके पास खुद का एक कंप्यूटर है जिसमें बड़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आपकी है, आपके पास जो सिस्टम है, लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, आपने i7 प्रोसेसर लिया हुआ है उस लैपटॉप में, आपके पास 16 GB की रैम है उस लैपटॉप के अंदर और आपके पास 2 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है, ये सारी चीजें, और SSD भी आपके पास 512 SSD भी है इसके अंदर, ठीक है, ये सारी चीजें अवेलेबल है आपके पास, आपके पास इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप है और उस पर आप काम क्या करते हो, आप MS ऑफिस करते हो, MS ऑफिस के काम करते हो, वर्ड के, PDF के, एक्सेल के। अब क्या इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है? नहीं थी, पर आपके पास है, ठीक है, आपके पास लैपटॉप है, आप उस पर काम कर रहे हैं। अब एक और बंदा है आपके ऑफिस में, उसको भी जरूरत है, पर हमने क्या किया, हमने गलती से ना, उस टाइम हमें अंदाजा नहीं था कि हमें 2 एम्प्लॉय, बाद में 1 से 2 एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो हमने एक ही लैपटॉप मंगाया, अच्छा मंगाया, ठीक है, हमने महंगा मंगा लिया, हमने ये लैपटॉप मंगा लिया जी 1.5 लाख रुपए का, तो हमने 1.5 लाख का ये लैपटॉप मंगा लिया। अब हमारी गुंजाइश नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है नए एम्प्लॉय के लिए, नए लैपटॉप लेने के लिए, या तो हम ये करेंगे सस्ता सा लैपटॉप ले लेंगे काम चलाने के लिए। बट अगर कोई ऐसी तकनीक मेरे पास होती कि मैं इसी हिस्से को बांट देता, मैं इसी कंप्यूटर को 2 हिस्सों में बांट सकता कि भैया एक स्क्रीन आपको दिख रही है, एक स्क्रीन आपको दिख रही है, मुझे सिर्फ उस बंदे के लिए स्क्रीन लेनी पड़ती, कीबोर्ड उसके पास होता, एक कीबोर्ड और स्क्रीन मैं उनको दोनों दे देता और मैं कहता जी इस 16 में से 8 GB रैम आपको मैं दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, 8 GB आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, 1 TB हार्ड डिस्क आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, 1 TB हार्ड डिस्क आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, i7 में से मैं 4 कोर या 2 कोर आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए, 2 कोर आपको दे रहा हूं इस्तेमाल करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि एक सिस्टम जिसकी 8 GB रैम है, 1 TB हार्ड डिस्क है, 2 कोर का CPU है, क्या ये MS Office से काम नहीं कर पाएगा? बड़े आराम से करेगा। इवन आप लोगों के घरों में भी 4 GB 8 GB से ज्यादा रैम का लैपटॉप नहीं होगा। तो यानी कि मैं इस एक से अगर 2 कर पाता तो ये दोनों बंदे इसको इस्तेमाल कर लेते, राइट? तो मैं वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या बेनिफिट है, यानी एक चीज को 2 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी चीज का यूटिलाइजेशन बढ़ गया, उसका इस्तेमाल मैं ज्यादा कर पा रहा हूं, मेरे पैसे जो है बच गए, 1.5 लाख रुपए की एक जो चीज मैंने ली थी उससे मेरे दोनों बंदों का काम हो रहा है, मेरे को 2 लैपटॉप नहीं लेने पड़े, एक ही से मैंने दोनों का काम चला लिया, ऐसा कुछ हो जाए। अच्छा, इसका और रियल टाइम एग्जांपल आपको देता हूं मैं। आपका मोबाइल होता है, आपके मोबाइल में आपने एक मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 16 GB का, आपने 16 GB का मेमोरी कार्ड उसमें लगा दिया, ठीक है। अब आपकी मोबाइल की इंटरनल मेमोरी भी होती है, सपोज 32 GB की इंटरनल मेमोरी है आपकी मोबाइल में, तो आप मुझे जरा एक सवाल का जवाब दे कि क्या अगर मेरी कोई एक फाइल है, एक मूवी, सिंगल मूवी, मूवी जो होती है अल्ट्रा HD का, उससे भी ऊपर की रिजोल्यूशन में वो मूवी है, और वो मूवी है मेरी 40 GB की, जो उस मूवी का साइज है, उस फाइल का साइज है, वो 40 GB है, तो क्या मैं अपने लैपटॉप में जिसमें 16 GB का मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी है, क्या मैं इस 40 GB की फाइल को कॉपी कर पाऊंगा अपने लैपटॉप में? सोच के जवाब दीजिएगा। आपके पास टोटल मेमोरी कितनी है? 32 GB आपकी इंटरनल मेमोरी है और 16 GB आपकी एक्सटर्नल मेमोरी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 48 GB हो जाता है, और 48 GB अभी आपके पास अवेलेबल है। मैं कहता हूं चलो कुछ OS में भी चला गया होगा, कुछ वहां इस्तेमाल हो रहा होगा ऐप में, तो 45 GB आपके पास अवेलेबल है, तब भी आपकी 40 GB की फाइल है अगर मैं दोनों स्टोरेज को जोड़ूं, तो क्या पॉसिबल है 40 GB की मेमोरी, 40 GB की जो फाइल है उसमें कॉपी हो जाना? नॉर्मल सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 16 GB का मेमोरी कार्ड अलग काम कर रहा है, 32 GB की इंटरनल मेमोरी अलग है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। मेमोरी कार्ड तो आप निकाल भी सकते हो बाद में, इंटरनल मेमोरी अलग चीज है, एक्सटर्नल मेमोरी अलग चीज है। तो अब आप कहेंगे नहीं मेरे लैपटॉप में तो होता है, मेरे मोबाइल में तो होता है, तो
आपको याद होना चाहिए कि आपके मोबाइल में ऑप्शन आता है जब आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं, यूज एज अ इंटरनल मेमोरी और यूज एज अ एक्सटर्नल मेमोरी। अगर आप उसे यूज एज अ इंटरनल मेमोरी करते हैं तो आप देखना आपका मेमोरी कार्ड दिखना बंद हो जाएगा, वो दोनों मेमोरी को जोड़ के आपको टोटल साइज दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 32 GB अगर आपकी मोबाइल की इंटरनल मेमोरी है और 16 GB आपकी कार्ड की थी, तो वो उन दोनों को जोड़ने के बाद तकरीबन 45-46 GB जो भी यूजेबल बचेगा उतना वो आपको दिखाएगा, जोड़ के एक ही स्टोरेज दिखानी शुरू कर देगा। यानी उसने क्या किया, वर्चुअलाइज कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब क्या 40 GB की फाइल उसमें डाली जा सकती है? बिल्कुल डाली जा सकती है, क्योंकि अब वो एक स्टोरेज की तरह काम कर रहा है। एक इंटरनल मेमोरी और एक एक्सटर्नल मेमोरी दोनों जुड़ गई हैं और एक वर्चुअलाइज मेमोरी बन गई है। अब वो दोनों अलग अलग नहीं, अगर आप उसमें से एक भी मेमोरी को निकालोगे, अगर अब आपने उसमें से मेमोरी कार्ड बाहर निकाल दिया तो सारी मेमोरी करप्ट हो जाएगी, यानी इंटरनल का डेटा भी करप्ट हो जाएगा और कार्ड का भी, क्योंकि आपने उन दोनों की जो कनेक्टिविटी थी वो ब्रेक कर दी। समझ में आ रही है बात? आपने उन दोनों की कनेक्टिविटी को ब्रेक कर दिया तो अब वो पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मोबाइल के अंदर भी कि आपने उसे एज ए इंटरनल मेमोरी इस्तेमाल किया या एक्सटर्नल। और अगर आप एज ए इंटरनल कर रहे हो तो वहां वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो, और वहां हम रिसोर्सेज को स्प्लिट नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं। इसीलिए ये भी याद रखना है, वर्चुअलाइजेशन इज नॉट अबाउट स्प्लिटिंग बट ऑल्सो अबाउट एडिंग अप रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज को, कई सारे रिसोर्सेज को जोड़ के एक भी बना सकते हैं। आप सिर्फ रिसोर्सेज को तोड़ तोड़ के अलग अलग, जैसे यहां मैंने तोड़ा था, यहां मैंने एक रिसोर्स को दो में तोड़ा था, पर यहां मैंने दो रिसोर्स को एक में जोड़ा है, तो दोनों ही क्या एग्जांपल है, वर्चुअलाइजेशन के एग्जांपल है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतने आसानी से कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, दुनिया भर की दुनिया जहान की वीडियो आप देख लो। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं और अभी और डिटेल में जाऊंगा, टेंशन ना लें आप, ये तो बिल्कुल बुनियादी पहला लेक्चर है। तो ये आपकी बात हो गई, इंटरनल आपने एक्सटर्नल के साथ जोड़ दिया, आपने वर्चुअलाइज कर दिया। अब इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको। इधर जो होता है नासा में, हमारे पास बड़ी बड़ी स्टोरेज चाहिए होती है हमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए, इमेज प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्टोरेज साइज अवेलेबल है किसी भी स्टोरेज का, वो 50 TB है। यानी एक स्टोरेज जो हमें, जैसे मेमोरी कार्ड होता है, ऐसे एक बड़ी से बड़ी स्टोरेज जो हमें मिल सकती है अवेलेबल दुनिया में, वो 50 TB है। वो फिर आपको बाकी जोड़नी पड़ेगी, मतलब मैक्सिमम साइज जो आता है वो 50 TB का आता है, ठीक है। तो अब नासा में जो उन्हें रिक्वायरमेंट है, वो उन्हें रिक्वायरमेंट है 150 TB। उन्हें जो अपने डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज चाहिए वो 150 TB चाहिए। तो 50 TB से बड़ी तो स्टोरेज ही नहीं आती मार्केट में, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें 50-50 TB की तीन स्टोरेज खरीदनी पड़ेंगी। वो तीनों स्टोरेज को वो कंबाइन करेंगे, वर्चुअलाइज करेंगे, और वर्चुअलाइज करके एक लॉजिकल स्टोरेज बना देंगे 150 GB का, सॉरी टेराबाइट का, 150 TB का। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक लॉजिकल स्टोरेज हो जाएगी। ये मेरे फिजिकल स्टोरेज थे, फिजिकल, ये तीनों मेरे फिजिकल थे, लेकिन अब इन तीनों को जोड़कर जो एक स्टोरेज बनी है वो क्या बनी है, लॉजिकल स्टोरेज बनी है। यानी एक्चुअल स्टोरेज भी कहीं अवेलेबल है, पर अब वो जिस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है उसका पूरा वो सिनेरियो बदल गया। वो अब यहां पे डेटा जरूर स्टोर हो रहा है, डेटा इन्हीं तीनों स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, पर वो इस तरीके से स्टोर हो रहा है कि ये तीनों अब अलग अलग ना होकर एक सिस्टम की तरह काम कर रही है, एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रही है। इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल यूनिट नंबर, लन बोलते हैं इसको। तो स्टोरेज जो होती है ना, वो स्टोरेज इस तरीके से ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। ये सारे ब्लॉक्स बन जाते हैं, 50 TB, 50 TB, 50 TB मिलकर 150 GB की एक बिल्डिंग बना लेंगे, एक ब्लॉक बना लेंगे, और उस ब्लॉक के अंदर डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। अब ये जरूर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर एक भी स्टोरेज करप्ट होती है तो पूरा डेटा करप्ट हो जाता है, या पूरा डेटा करप्ट होने के चांसेस हो जाते हैं, तो हमें फिर उसके लिए रिडंडेंसी लगानी पड़ती है। वो बाद का कॉन्सेप्ट है, रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप कई सारी चीजों को जोड़ के एक लॉजिकल सिस्टम बना देते हैं, एंटिटी बना देते हैं, या आप एक सिस्टम को तोड़ के कई सारे मल्टीपल सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं, लॉजिकल सिस्टम, जिन्हें हम वर्चुअल मशीन कहते हैं, जो क्लाउड में आपने कई बार सुना होगा। तो वो वर्चुअल मशीन वर्चुअलाइजेशन से ही क्रिएट की जाती है, इसीलिए वहां वर्चुअल कहा जाता है। देखिए, कहीं भी किसी भी चीज के साथ अगर वर्चुअल जुड़ जाता है, चाहे वर्चुअल क्लासरूम हो, चाहे वर्चुअल ऑफिस हो, चाहे वर्चुअल लाइब्रेरी हो, चाहे वर्चुअल एटीएम कार्ड हो, कुछ भी हो, वो वर्चुअल जब जुड़ जाता है, यानी मतलब यही है कि वो फिजिकल का ही रूपांतरण है, उसी की एक इमेजिनेशन आप कह लें कि वो है, और वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है, बट वो फिजिकल नहीं है उस टाइम, वो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है, बट काम वही कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, पर फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट नहीं हूं,
तो वर्चुअल का मतलब यही होता है, और वो वर्चुअलाइजेशन आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब इस बात पे गौर करना है। फिलहाल ये डेफिनेशन और दूसरी बता दूं, पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, इट इज दी टेक्निक ऑफ स्प्लिटिंग अ फिजिकल रिसोर्सेज इनटू एज मेनी एज लॉजिकल रिसोर्सेज। देखिए फिजिकल और लॉजिकल दोनों में फर्क होता है। फिजिकल वो होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ हैं, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये सब फिजिकल है, ठीक है। बट लॉजिकल क्या है, जैसे अभी आप मुझे टच नहीं कर सकते क्योंकि मैं अभी लॉजिकली प्रेजेंट हूं आपके सामने, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं। आप मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, बट मुझे टच नहीं कर सकते। दैट इज लॉजिकल। चीजें हैं, सब कुछ हो रहा है, बट हम उसे फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो दैट इज लॉजिकल। तो हम एक फिजिकल रिसोर्स को लॉजिकल में ब्रेक कर सकते हैं, मेमोरी को भी कर सकते हैं, सीपीयू को भी कर सकते हैं, स्टोरेज को भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को कर सकते हैं। मेमोरी से मतलब यहां रैम से है। एक दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी कई जगह दी जाती है, वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। अब यहां भी बात हुई है, देखो घुमा फिरा के कहने का तरीका, मैंने एक्चुअली देखा है, मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना, पीएचडी करते हैं, प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, इन्होंने शब्दों की हेरफेर करना बड़ी अच्छे से आता है, ये बड़ी अच्छी कलाकारी जानते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं करा, इन्होंने फिजिकल को तो लिख दिया यहां पे हार्डवेयर, और लॉजिकल को लिख दिया यहां पे सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, क्या सॉफ्टवेयर को टच कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। फिजिकल को टच कर सकते हो, कर सकते हो। तो हार्डवेयर क्या होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लॉजिकल डिवाइसेस होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, लॉजिकल एंटिटी होती है। तो इन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली कह दिया कि वर्चुअलाइजेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट ट्रांसफॉर्म फिजिकल इंटू लॉजिकल या हार्डवेयर इनटू सॉफ्टवेयर। तो यार मैंने देखा है कि हमारे बच्चे ना आधे कंफ्यूज हैं प्रोफेसरों की वजह से हैं। इन्होंने अपने रिसर्च पेपर लिखने के चक्कर में हमारे बच्चों की जिंदगी खराब की हुई है। वो नई नई लैंग्वेज, नई नई डेफिनेशन लेके आ जाते हैं, बच्चा कभी तो यही कंफ्यूज हो जाता है कि ये डेफिनेशन सही है कि ये डेफिनेशन सही है। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है ना, तो आप किसी भी डेफिनेशन को रिलेट कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और ऐसे प्रोफेसरों से तो बस भगवान ही बचाए, है ना। तो आप चलिए, तो फिजिकल आपको समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं आपको वो केस स्टडी समझाता हूं जिसके हेल्प से आपको ये समझ आएगा कि आखिर वर्चुअलाइजेशन की मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है, और हर किसी कंपनी, आईटी कंपनी वर्चुअलाइजेशन क्यों चाहती है। ये एक कपड़े बनाने की कंपनी की केस स्टडी है, जिसमें वो लंदन की कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, जिसके पास एट प्रेजेंट में 2000 स्क्वायर फीट का डेटा सेंटर है, एक बहुत बड़ी जगह है उसके पास, जहां उसने 100 सर्वर लगाए हुए हैं अपने पूरे ग्लोबल बिजनेस को संभालने के लिए। एक बहुत बड़ी कंपनी है और ग्लोबल बिजनेस संभालने के लिए उसने कम से कम 100 सर्वर अपने पास लगाए हुए हैं, और इतने सर्वर की जरूरत आपको पड़ती है अगर आपका पूरा आप ग्लोबली किसी चीज में काम कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्वर होता है वो एक सर्वर पे आप एक ही चीज चला सकते हैं, या तो आप सर्वर पे एडी सर्वर बना सकते हैं, या फिर आप उसे वेब सर्वर बना सकते हैं, या फिर आप उसे एप्लीकेशन सर्वर बना सकते हैं, बट एक सर्वर पे, एक फिजिकल सर्वर पे आप देखा जाए तो आप एक ही तरीके का काम कर सकते हैं। तो अब वहां पे क्या होगा, 30 सर्वर तो कम से कम इंफ्रा के लिए चाहिए, और 70 सर्वर आपकी एप्लीकेशन के लिए चाहिए जो ग्लोबल ट्रैफिक को संभालेंगे, जितने बंदे शॉपिंग कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे आगे, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो 70 सर्वर आपको कम से कम उसके लिए चाहिए जो इनके सिनेरियो में थे इनके पास, और 30 सर्वर इंफ्रा के लिए थे। इंफ्रा में क्या होता है, आपका एक एडी सर्वर होगा, ठीक है, एडी सर्वर आपके पास है, आपकी फाइनेंशियल उसके लिए जो बिलिंग क्रिएट करेगा उसके लिए आपके पास सर्वर होगा, एक डीएससीपी सर्वर होगा, डीएनएस सर्वर होगा, तरह तरह के सर्वर आपने वहां पे अपने डेटा सेंटर में डिप्लॉय किए होंगे, इवन एंटीवायरस के लिए सर्वर होगा, एक फायरवॉल लगी होगी उसके लिए आप एक सर्वर कॉन्फ़िगर करोगे, सारी चीजों के लिए आपको कुल मिला के बहुत सारे सर्वर चाहिए। तो वो जो सर्वर है हमारे पास, 100 सर्वर अवेलेबल है जो उनके डेटा सेंटर में अवेलेबल थे वर्चुअलाइजेशन से पहले। ये सब कुछ सब है जब वो फिजिकली सब कुछ काम कर रहे थे बिना वर्चुअलाइजेशन के। यहाँ पे हर सर्वर की ऑन एन एवरेज उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, 4 GB की रैम उनके पास थी, 60 GB के आसपास हार्ड डिस्क अवेलेबल होती थी, 2 कोर का या 4 कोर का सीपीयू आप मान के चले उनके पास अवेलेबल था। अब इतने बड़े डेटा सेंटर में जब सर्वर चल रहे होते हैं तो हीटिंग होती है, तो वहां आपको प्रॉपर एयर कंडीशनिंग सिस्टम चाहिए, एसी लगे हुए होने चाहिए, तो कूलिंग सिस्टम भी चाहिए था 100 सर्वर के लिए, ठीक है। फिजिकल डिस्क, हर सर्वर के पास एक स्टोरेज लगी होगी जहां वो अपना डेटाबेस स्टोर करेगी, तो आपको फिजिकल डिस्क चाहिए थी उन 100 सर्वर के लिए। कूलिंग की बात हो गई, और कूलिंग के साथ पावर विप्स की बात हो गई, ठीक है, सॉरी कूलिंग कह रहा हूं मैं, केबलिंग की बात। तो सारे सर्वर्स को आपस में जोड़ना है, सब कुछ कनेक्टिविटी करनी है, इंटरनेट से भी कनेक्ट करना है, फलाना फलाना जगह से पूरे डेटा सेंटर को कनेक्टिविटी देनी है, तो केबलिंग का खर्चा आएगा। पावर विप्स होते हैं, बड़े बड़े पावर के प्लग्स होते हैं जो लगे हुए होते हैं फाइनली, तो उनका भी खर्चा है।
डेटा सेंटर का स्टाफ जो है, अब 24 घंटे आपको स्टाफ चाहिए और एक एम्प्लॉय 8 घंटे की नौकरी करता है, यानी आपको 8 या 24 तीन शिफ्ट में एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। तो अगर आपके 10 एम्प्लॉय भी एक शिफ्ट में काम करते तो 30 एम्प्लॉय की सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी खर्चा आपका है। तो यहां पे देखो मैंने जो ओपेक्स लिखा हुआ है, ओपेक्स और कैपेक्स का मतलब ये होता है खर्चे दो तरीके के होते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। जो कॉस्ट होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक होती है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। फर्क क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है आपकी लागत जो आप एक बार लगा देते हैं। आप एक बार आपने सर्वर खरीदे वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 100 सर्वर आपने एक ही बार खरीदे, हर बार नहीं खरीदने पड़ेंगे, या एसी आपने एक ही आपने हर बार नहीं खरीदने पड़ेंगे, पर यहां पे एसी का बिल जो आएगा वो हर महीने आएगा। तो यहां कैपेक्स और ओपेक्स दोनों है, यानी लागत भी लगेगी और फिर महीने का खर्चा भी जुड़ा हुआ है, बिजली का खर्चा एसी का वो भी आपका आएगा। फिजिकल डिस्क आपका एक ही बार खर्चा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। केबलिंग की बात करें ये भी एक ही बार खर्चा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन स्टाफ की सैलरी हर महीने देनी है, तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया, जो काम को चलाने के लिए मुझे चाहिए, तो वो मेरा ओपेक्स हो गया। इलेक्ट्रिसिटी, पावर बैकअप, ये सब भी ओपेक्स है क्योंकि बिजली का बिल हर महीने आएगा, पावर बैकअप हर महीने आपको जनरेटर के लिए डीजल या जो भी आपको चाहिए वो आपको चाहिए होगा, तो ये भी ऑपरेशनल हो गया। तो दो तरह के आपके खर्चे हैं, कैपेक्स और ओपेक्स। कैपेक्स को आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं और ओपेक्स को आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं ये आप देखना होगा। क्या मैं अब खर्चा कम करने के लिए 100 सर्वर की जगह 50 सर्वर को बेच दूं? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपको यूज करने के लिए जितने सर्वर चाहिए उतने तो चाहिए, आप उन्हें कम नहीं कर सकते, ठीक है। आपके नेटवर्क को संभालने के लिए अगर 100 की जरूरत है तभी तो आपने 100 लगाए हुए हैं। पर यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है, अब इस पूरे सिनेरियो में जब वो कंपनी काम कर रही है उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है? एक तो उसे हर महीने इतना बड़ा जो उसने एरिया लिया हुआ है इसका खर्चा उठाना, इतनी सारी बिजली का स्टाफ का खर्चा उठाना, ऊपर से मेंटेनेंस का खर्चा, कोई चीज खराब हो जाए तो उसका खर्चा अलग है, और 100 सर्वर को संभालना, इनके लिए एसी का प्रॉपर, एसी खराब हो जाए उसको भी ठीक कराओ, यानी 100 झंझट है, 100 झमेले हैं इस पूरे सिनेरियो में, समझ आ रही है बात। उसके बावजूद अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि आपने 100 सर्वर लगाए हैं, ये 100 के 100 सर्वर 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करते अपने। आप देखें तो जो बिल होता है, जो बिलिंग सर्वर होते हैं वो महीने के एंड में ही काम करते हैं, या सैलरी जनरेट करने वाले जो सर्वर हैं, जो एम्प्लॉय की पूरी ग्लोबली सैलरी जनरेट करते हैं, वो 27 से 30 के बीच में ही वर्किंग है, यानी महीने के 3 दिन वो वर्किंग है, यानी महीने के 10%। तो यानी वो जो भी सर्वर हो गए वो तो 10% इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे सर्वर है, एडी सर्वर है या डीएससीपी डीएनएस सर्वर है, ये सब कभी भी 20% या 30% से ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं हो पाते यहाँ पे, क्योंकि ये इनका काम ही इतना होता है। पर आपको फिर भी छोटे से काम के लिए भी अलग सर्वर बनाना पड़ता है, ये आपकी मजबूरी है। अगर आप बिना वर्चुअलाइजेशन के काम कर रहे हैं तो ये आपकी मजबूरी है, काम भले ही छोटा हो अगर उसके लिए सर्वर बनना है तो एक पूरा प्रॉपर सर्वर उसको देना पड़ेगा डेडिकेटेड आपको, आप कुछ कर नहीं सकते, आपकी मजबूरी है। तो अब ये सारी वजह से इस कंपनी का जो खर्चा था साल का वो 1 करोड़ रुपए का था, इस कंपनी का जो खर्चा आ रहा था वो 1 करोड़ रुपए आ रहा था, जबकि इसके कपड़ों से मुनाफा कम होता जा रहा था। तो ये इसने वीएमवेयर से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि यार मुझे तरीका बताओ, मैं अपना खर्चा कम करना चाहता हूं डेटा सेंटर का, यहां से मेरा बड़ा खर्चा आ रहा है, मेरा 1 करोड़ का खर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा इन्हीं सारी चीजों से आ रहा है, जबकि मैं इतना तो कमा नहीं रहा हूं, ठीक है। आजकल बंदे वैसे भी सारे नकली पहन रहे हैं, अरमानी से लेके प्यूमा तक सारे 100-100 रुपए में मार्केटों में मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसके ब्रांड के बेचारे के वैसे भी कोई नहीं लेता एक्चुअल। तो अब ये 1 करोड़ का जो खर्चा है ये कैसे कम किया जाए, इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो क्या है, वो है वर्चुअलाइजेशन। तो उसको देखते हैं, यहां वर्चुअलाइजेशन कर दें। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होगा? वर्चुअलाइजेशन का मतलब यह होगा कि आपके पास 100 सर्वर है, आपको 100 की जरूरत नहीं है। अब आप पहले एक सर्वर उठाएं, फिजिकल सर्वर उठा रहा हूं मैं अभी, ये मेरा फिजिकल सर्वर है। इस फिजिकल सर्वर के ऊपर मैं वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट नाम बता रहा हूं, हाइपरवाइजर, ठीक है, जो वर्चुअलाइज करने के काम आता है, चीजों को वर्चुअलाइज करने के। हम इस सर्वर के ऊपर जो मेरे पास 100 सर्वर थे इसमें से मैं एक सर्वर के ऊपर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर डाल देता हूं, ठीक है, सर्वर के जस्ट ऊपर, और उसके बाद मैं उसके ऊपर 3 वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूं, या आप इन्हें सर्वर भी कह सकते हैं। लेकिन अब ये कैसे सर्वर है? ये वर्चुअल सर्वर है, ये फिजिकल सर्वर था। इस फिजिकल सर्वर के ऊपर 3 वर्चुअल सर्वर चल रहे हैं अब,
वही वाला एग्जाम्पल, वो जो लैपटॉप से दो लैपटॉप किए थे ना, वो यहाँ पॉसिबल है। इनको सिर्फ स्क्रीन देनी होगी मुझे देखने के लिए, और ये रिसोर्सेज कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, इस बंदे के। ये एक सर्वर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब यहां लगा लूं, जिसकी 16 GB में रैम दे देता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं जी इसकी 2 TB की हार्ड डिस्क है और 8 कोर का सीपीयू इसके पास है, ठीक है। तो मैं कहता हूं जी आपने 3 सर्वर यहां पे बनाए, आप यहां पे 10 सर्वर बना दो इस तरीके से, आप एक ही उसके ऊपर, और यहां इसकी रैम फिर हम बढ़ा देते हैं। सर्वर आपको मिल जाएंगे मार्केट में 64 GB का, तो नॉर्मली आता है 64 GB, 256 GB तक के आते हैं, टेराबाइट में आते हैं, 1 TB रैम के भी सर्वर आते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको कोर भी बढ़ा दो, कोर यहाँ पे 32 CPU कर दो, 32 कोर कर दो आप, ठीक है ना, ये आपने कर दिया। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, मैं कहता हूं यार देखो मेरी जो रिक्वायरमेंट है मेरे सर्वर की, तो मुझे तो हर सर्वर 4 GB का चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए मेरे सर्वर की, और मेरे यहां जो सर्वर मैंने लिया उसकी रैम कितनी है, 64 GB है, तो 4 से तो बहुत ज्यादा है। तो एक काम करो, उसमें से 4 GB इसको दे दो, 4 GB रैम इसको दे दो, 4 GB इसको दे दो, और इस तरीके से जो 10 सर्वर आपने बनाए सबको 4 4 GB दे दो। तो आपने टोटल 4 GB के हिसाब से 10 सर्वर को जो रैम दी, तो कितनी रैम आपने एलोकेट कर दी, 40 GB दे दी। अभी भी आपके पास कितनी बच गई, 24 GB बच गई, ठीक है। तो आपने 4 4 GB रैम इन सबको दे दी। अब स्टोरेज देनी है आपको, तो स्टोरेज देनी थी 60 GB, अब यहां पे तो मेरे पास 2 TB अवेलेबल है, तो 100 GB सबको दे दो, 100 GB इसको दे दो, 100 GB इसको दे दो, 100 GB इसको दे दो, तब भी मेरी कितनी हो गई, सिर्फ 1 TB इस्तेमाल हुई, 1 TB अभी भी बची हुई है। कोर की बात करें तो 2 2 कोर या 4 4 कोर जितने आपको देने हैं यहां पे दे दो आप यहां 2 कोर CPU इसको दे दो, 2 कोर CPU इसको दे दो, 2 कोर इसको दे दो, और इस तरीके से आपने इनको दे दिया, तो 20 कोर आपकी इस्तेमाल हो गई। अब आपने एक सर्वर पे 10 वर्चुअल मशीन बना दी। अब आप क्या करो, इस पे अपना बिलिंग सर्वर चला दो, जो भी आपका बिलिंग सर्वर था, यहां पे आप अपना एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर चला दो, एडी सर्वर चला दो, यहां पे आप अपना डीएससीपी सर्वर चला दो, एक और वीएम बनी हुई है उस पे आप अपना कुछ और सर्वर चला दो, डीएनएस सर्वर चला दो फॉर एग्जांपल, या एंटीवायरस चला दो, अपना फायरवॉल चला दो, ठीक है। तो आपने यहां पे इन 10 सर्वर को चला दिया, यानी एक ही हार्डवेयर पे वर्चुअलाइजेशन करने के बाद मैं 3-10 अलग अलग सर्वर बना सकता हूं। अब इसका मतलब क्या, अब आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, ये 10 सर्वर बन गए तो क्या ये आपस में बात कर सकते हैं, या ये तो एक ही पे बने हुए हैं तो फिर सिक्योरिटी कहां रह जाएगी, ये बंदा इसका डेटा देख सकता है, ये इसका, ये आप गलत फहमी में है। हमेशा याद रखना, जिस तरीके से फिजिकल डिवाइस काम करता है वर्चुअलाइजेशन में, बिल्कुल वैसे ही वर्चुअलाइज डिवाइस काम करेगा। अगर फिजिकल सर्वर दूसरे सर्वर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अलग हार्डवेयर है, वो एक अलग हार्डवेयर है, बिना कनेक्टिविटी के उनका कम्युनिकेट करना पॉसिबल नहीं है, या डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, दिमाग में ये वहम बिल्कुल मत लाना कि एक ही हार्डवेयर के ऊपर 10 VM बनी है तो सिक्योरिटी कहां रहेगा, ये VM इसका डेटा देख सकता है, नेवर। ये आइसोलेटेड होता है, इस VM को क्या फील होगा कि सिर्फ मैं ही चल रहा हूं इसके ऊपर, इसको क्या फील होगा कि सिर्फ मैं ही चल रहा हूं इसके ऊपर, ये सब इस वैन में जिएंगे। वो एक शायर ने एक शेर कहा था ना कि हर ईंट को इस बात पे गुमान है कि दीवार मुझ पे खड़ी है, तो हर ईंट को ये गुमान है, लेकिन वो सारी ईंटों से मिलके दीवार बनी है, पर ईंट को तो यही लगता है ना मेरे पे ही खड़ी है दीवार। तो उस गलत फहमी में नहीं रहना, ये वीएम जो है ये अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है, आइसोलेटेड है, यानी ये वीएम इसका डेटा नहीं देख सकता, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, कम्युनिकेट भी ये डायरेक्ट नहीं कर सकता कभी, ये इसके साथ ऐसे शेयर नहीं कर सकता, इसकी रिक्वेस्ट हमेशा नीचे जाएगी और फिर यहां से स्विचेस से होते हुए ऊपर आएगी, ये डायरेक्ट भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इनके बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, ये दिमाग से निकाल देना। तो ये सारी वीएम आइसोलेटेड होती है और ये बिल्कुल ऐसे काम करती है जैसे एक अलग से एक फिजिकल सर्वर काम करता है। तो ये इससे क्या हुआ, मेरे को अब एक सर्वर पे मैंने 10 चला दिए, तो मुझे कितने सर्वर चाहिए थे, मुझे 100 सर्वर चाहिए थे। तो अगर एक हार्डवेयर पे मैं 10 वर्चुअल मशीन बना रहा हूं तो कितने हार्डवेयर मुझे अब चाहिए, टोटल 10 हार्डवेयर मुझे चाहिए, यानी 10 सर्वर मुझे चाहिए। हर सर्वर पे मैं सर्वर ना कह के आप उसे हार्डवेयर कह लें या फिजिकल होस्ट कह लें, होस्ट बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है ना। तो आप एक होस्ट मान लें, उस होस्ट के ऊपर आपने वीएम क्रिएट करी है, तो अब मेरे को कितने ये होस्ट चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। अब हर एक हार्डवेयर के ऊपर मैंने 10 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दी विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, तो अब मेरे नंबर ऑफ सर्वर क्या हो गए, कम हो गए, 100 से कितने हो गए, 10 हो गए सिर्फ। अब 100 से जब 10 हो गए तो क्या मुझे इतने बड़े एरिया का रेंट देने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि 10 सर्वर तो बहुत कम जगह में आ जाएंगे। क्या मुझे उतने सारे एसी की जरूरत है,
जितनी मैंने पहले जरूरत थी नहीं है, क्योंकि पहले 100 सर्वर के हिसाब से चाहिए थी, अब सिर्फ 10 सर्वर हैं आपके। क्या मुझे उतनी केबलिंग या कूलिंग की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि अब आपके सर्वर कम हो गए। क्या मुझे उतने एम्प्लॉय की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले 100 सर्वर को संभालने के हिसाब से एम्प्लॉय चाहिए था, तो सर्वर ही सिर्फ 10 है और उनपे वर्चुअल मशीन बनी हुई है। क्या इलेक्ट्रिसिटी और पावर, पहले पावर कंजप्शन 100 सर्वर की होती थी, 100 सर्वर की बिजली की खपत थी मेरी 24 घंटे, यहां पे क्या हो गया, अब सिर्फ 10 सर्वर की खपत रह गई। यानी ओवरऑल मैंने कितना खर्चा कम कर दिया, आप जरा आप बताएं मेरा कितना बिल कम हो जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर 100 सर्वर का बिल 1 करोड़ था तो सर्वर रह गए 10, तो सारा ट्रैफिक 90% कम हो गया, मेरा सारा खर्चा 90% कम हो गया, क्योंकि मैंने जो है 100 सर्वर से 10 पे आ गया मैं, तो यानी मेरी हर चीज का बिल 90% कम हो गया ओवरऑल। मैं ऑन एन एवरेज कहूं तो 1 करोड़ से मेरा बिल कितना रह गया, मेरा बिल रह गया सिर्फ 10 लाख का। यानी वर्चुअलाइजेशन करके मैंने उन्हें बैठे बिठाए 90 लाख का फायदा करा दिया, हर साल का 90 लाख रुपए उनका मैंने बचा दिया। ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, 90 लाख बिना बात के दे रहे थे, क्योंकि अब भी आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, ना उनके कस्टमर को पता चलेगा, ना उनके ट्रैफिक पे फर्क पड़ेगा, किसी तरीके का कोई इशू नहीं आएगा। समझ आ रही है बात? तो अब 90% उनका बिल कम हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। नॉर्मल सिनेरियो में आप क्या करते हैं, नॉर्मल सिनेरियो में आपके पास ये आपका सर्वर हार्डवेयर होता है, इस हार्डवेयर के ऊपर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो। सपोज आपने विंडो सर्वर डाला, विंडो सर्वर 2012, और उसके ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन या जो भी चीज चलानी है, आपको एडी चलाना है, आपने एडी इंस्टॉल कर दिया, डीएससीपी सर्वर इंस्टॉल कर दिया, वो आप करते हो। बट वर्चुअलाइजेशन के केस में जब आप इस चीज को वर्चुअलाइज कर देते हो तो एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या होती है, यहां पे हार्डवेयर तो होगा, हार्डवेयर के ऊपर आप हाइपरवाइजर ऐड कर देते हो। ये हाइपरवाइजर क्या होता है, ये अगले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। ये हाइपरवाइजर चीजों को वर्चुअलाइज करता है, तो कुछ तो डालना पड़ेगा ना वर्चुअलाइज करने के लिए। उसके ऊपर अब ये हाइपरवाइजर ने एक ऐसा लॉजिकल एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है कि अब आप इस तरीके के 3-4 जितने विंडो सर्वर बनाना चाहें आप बनाएं, आप यहां भी विंडो सर्वर चलाएं, आप यहां भी विंडो सर्वर चलाएं, आप यहां भी। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल मशीन बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों विंडो सर्वर चल रहे हैं, अब इसके ऊपर आप एडी इंस्टॉल कर दो, इसके ऊपर आप डीएससीपी इंस्टॉल कर दो, इसके ऊपर आप डीएनएस इंस्टॉल कर दो, जो आप चाहे वो आप कर दो। यानी एक ही हार्डवेयर आपका मल्टीपल एप्लीकेशंस, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता है। आप चाहे यहां विंडो की जगह लिनक्स डाल दें एक ही हार्डवेयर के ऊपर, यह पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहां और यहां के सिनेरियो में यह फर्क है कि यहां पर 1:1 होता है, यानी एक सर्वर पे एक ही एप्लीकेशन चल सकती है, 1:1 है, जबकि वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में n:1 होता है, यानी या 1:n कह ले आप, एक ही हार्डवेयर के या सर्वर के ऊपर आप n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस या n नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा। यानी एक ही हार्डवेयर के ऊपर मैं अब 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकता हूं। ये आप अपने लैपटॉप में भी करते हैं, कई बार आप अपने लैपटॉप में VMware वर्क स्टेशन डालते हैं। अगर आप लिनक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिनक्स इंस्टॉल करना है, तो कोई आपको बोलता है यार VMware वर्क स्टेशन डाल लो, उस पर लिनक्स इंस्टॉल कर लो, वो चलेगा। तो वो VMware वर्क स्टेशन क्या है, वो हाइपरवाइजर ही है, पर वो दूसरे टाइप का हाइपरवाइजर, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आप अपने लैपटॉप में भी ये सारी चीजें करते हो, पर आपको पता नहीं था अब तक कि ये सब वर्चुअलाइजेशन होता है। VMware वर्क स्टेशन हाइपरवाइजर को बोलते हैं, या Oracle वर्चुअल बॉक्स जो आता है मार्केट में, जो आपके लैपटॉप में आपके पढ़ा भी हो शायद, वो हाइपरवाइजर होता है। ये बातें आपको नहीं पता थी, ठीक है। तो ये बड़ा बुनियादी लेक्चर है, मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं गया हूं, बट मैंने वो सारी चीजें समझाने की आपको कोशिश की है कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो आई होप आपको समझ आ गई होंगी, बहुत सारी इसकी एडवांटेजेस हैं। हाई अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, फॉल्ट टॉलरेंस ये आपको प्रोवाइड कराता है, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, आपके कैपेक्स ओपेक्स को रिड्यूस कर देता है, बहुत सारे बेनिफिट आपको वर्चुअलाइजेशन के रियल टाइम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई मसला नहीं हुआ होगा। और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। तो चलिए, आज वर्चुअलाइजेशन का लेक्चर शुरू हुआ है, और वर्चुअलाइजेशन जो है ये कुछ इमेजिनेशन जैसी चीजें होती हैं कि वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट है, ऐसा है वैसा है। तो शेर भी कुछ इसी से जुड़े हुए सुनाते हैं। तो तसव्वुर का मतलब होता है इमेजिनेशन, तो वही वर्चुअलाइजेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो एक शेर कुछ यूं था,
हजारों इसमें रहने के लिए आए, हजारों इसमें रहने के लिए आए, मकां मैंने एक तसव्वुर में बनाया था। ठीक है, तो ये एक शेर और ये था, ना ये है ना वो है, ना मैं हूं ना तू है, ना ये है ना वो है, ना मैं हूं ना तू है, हजारों तसव्वुर और एक आरजू है। चलिए, तो तसव्वुर पे कभी सुनाएंगे और खूब सारे शेर सुनाएंगे। चलिए बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आप इस सीरीज के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सपोर्ट करिएगा, वीडियो को अपने फेसबुक पे शेयर करना ना भूलें, ख्याल रखें अपना और दुआओं में याद रखें।